बॉलीवुड इंडस्ट्री में 90s में कुमार्स भी काफी पॉपुलर हुए थे। फिर भले ही अक्षय कुमार हो, कुमार सानू हो और कुछ एक टाइम के लिए तो कुमार गौरव भी रहे थे। आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे वो है तो कुमार, लेकिन इन कुमार्स की तरह पॉपुलर नहीं हुए। आए तो ये भी 90s में ही थे। कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स की जरूरत होती है, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से आपका नाता होना या आपकी जान पहचान होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तब आपका काम आसान हो जाता है। ये कुमार फिल्मी माहौल में ही पले बड़े हैं। काफी फिल्म इंडस्ट्री के लोग, एक्टर्स और स्टार्स इनके कजिन्स और इनके फैमिली मेंबर्स हैं, और इनके पिता खुद एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर रह चुके हैं। उसके बावजूद ये इंडस्ट्री में फ्लॉप हो गए। बात करेंगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मोहन कुमार के बेटे रोहित कुमार की। रोहित कुमार की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब रोहित कुमार को लॉन्च करने में मदद की एक बहुत बड़े सुपरस्टार ने, क्यों अजय देवगन रोहित कुमार के जीजू बनते बनते रह गए, और कैसे जिस इंडस्ट्री के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर नेपोटिज्म है, यहाँ पर फेवरेटिज्म है, यहाँ पर ग्रुप्स चलते हैं, कैंप्स चलती है, जान पहचान चलती है, वो सारी थ्योरी इनके मामले में फेल साबित हुई। रोहित कुमार का मैं जिक्र करूं उससे पहले इनके पिता के बारे में बात करनी जरूरी है, क्योंकि इनके बायोडेटा से ज्यादा इम्पैक्टफुल है इनके पिता का करियर। मोहन कुमार इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर थे। ए वर्ड इनका बहुत फेवरेट था, यही कारण है कि ज्यादातर इन्होंने जो फिल्में प्रोड्यूस की है उनका नाम ए से ही शुरू हुआ। 60, 70 और 80 के दशक तक मोहन कुमार साहब ने काफी फिल्में प्रोड्यूस की, जैसे कि अमीर गरीब, आप आए बाहर आई, आप तो ऐसे ना थे, अवतार, अमृत। इनफैक्ट जिस फिल्म से मोहन कुमार ने अपने बेटे रोहित कुमार को लॉन्च किया उसका नाम भी ए से ही शुरू होता है, आजमाइश इस फिल्म का नाम था। क्योंकि उस दौरान काफी प्रोड्यूसर्स के बेटे लॉन्च हो रहे थे, सलमान खान इंडस्ट्री में चल रहे थे सलीम खान साहब के बेटे, और अनिल कपूर इंडस्ट्री में काम कर रहे थे जिनके भाई बोनी कपूर प्रोड्यूसर थे, महेश भट्ट ने अपनी बेटी पूजा भट्ट को लॉन्च कर दिया था, और संजय दत्त, सनी देओल जैसे एक्टर्स तो काम कर ही रहे थे। ऐसे में मोहन कुमार ने भी अपने बेटे रोहित कुमार को एज अ हीरो लॉन्च करने का डिसाइड किया। उन्होंने खुद ने अपने बेटे के लिए इस फिल्म को लिखा, फिल्म को प्रोड्यूस भी किया, फिल्म को डायरेक्ट किया सचिन पिलगांवकर ने, और क्योंकि इस फिल्म में रोहित कुमार काम कर रहे थे वो एक नया चेहरा थे, ऐसे में पब्लिक को कैसे खींचा जाए, तब फिल्म की कमर्शियल वैल्यू और स्टार वैल्यू बढ़ाने के लिए मोहन कुमार साहब ने अपने बेस्ट फ्रेंड धर्मेंद्र की मदद ली। धर्मेंद्र को इंडस्ट्री में अपने खुले दिल के लिए जाना जाता है, वो एक्टर भी बहुत जोरदार है, और जितना उनका दिल अच्छा है उतना शायद ही इस इंडस्ट्री में किसी का दिल अच्छा होगा। तब धर्मेंद्र ने मोहन कुमार के लिए तुरंत हाँ कर दिया, और सबसे बड़ी बात उन्होंने इस फिल्म के लिए अपनी फीस भी नहीं ली, ये कहते हुए कि रोहित कुमार मेरे बेटे की तरह है। और इसी के साथ आजमाइश फिल्म बनाई गई। इस फिल्म में और भी कलाकार थे जैसे कि मोनिश बहल और प्रेम चोपड़ा साहब। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई और रोहित कुमार जो है वो अननोटिस्ड ही चले गए। रोहित को लॉन्च करने के लिए मोहन कुमार साहब ने जो कुछ भी था वो लगा दिया था, यही कारण है कि फिल्म के फ्लॉप होने से उनका प्रोडक्शन हाउस भी बंद हो गया। इस फिल्म के बाद मोहन कुमार साहब ने कोई और फिल्म प्रोड्यूस ही नहीं की। अब फिल्म फ्लॉप हो गई, पिता इंडस्ट्री में तो है लेकिन वो रेकमेंड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों की फिल्म में डलवा सकते हैं, प्रेशराइज नहीं कर सकते। ऐसे में रोहित कुमार ने कुछ और फिल्मों में काम किया, अब साइड रोल्स किए, जिसमें से एक थी धर्मेंद्र के साथ लोह पुरुष, आंटी नंबर वन और मुकद्दर। लेकिन कुछ खास लोगों ने इन्हें पसंद नहीं किया, और एक टाइम तक फिल्मों में सपोर्टिंग रोल करने के बाद रोहित कुमार को भी समझ आ गया था कि ये फील्ड उनके लिए नहीं है, वो किसी गलत फील्ड में आ गए हैं। इसी दौरान रोहित कुमार ने अपने पिता के फुटस्टेप फॉलो करते हुए फिल्में प्रोड्यूस करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने बुढ़ा मर गया, भूत, आप मुझे अच्छे लगने लगे, ये तीन फिल्में प्रोड्यूस की। मतलब 5 फिल्मों में एक्टिंग और 3 फिल्में प्रोड्यूस, कुल मिला के 8 फिल्मों में इनका करियर खत्म हो गया और जो पैसा घर में था वो भी खत्म हो गया। और इसके बाद रोहित कुमार इंडस्ट्री से कहीं गायब ही हो गए। हालांकि रोहित कुमार इंडस्ट्री में पले बड़े हैं, दीपक पराशर इनके कजिन है और ऋतिक रोशन इनके सेकेंड कजिन है। ऋतिक की मॉम पिंकी रोशन रोहित कुमार की मॉम की कजन सिस्टर है।
रोहित कुमार का भाई गौतम कुमार खुद एक प्रोड्यूसर है और उनकी एक बहन भी है सिमरन, जो एक टाइम पर अजय देवगन के साथ एंगेज थी। तब तक अजय देवगन बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए नहीं थे, वो या तो अपने पिता को असिस्ट किया करते थे या फिर तब तक उन्होंने एक्टर बनने का डिसीजन नहीं लिया था, वो डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे थे और तभी वो सिमरन से एंगेज थे। लेकिन बाद में फिल्मों में आते ही अजय देवगन की दुनिया ही बदल गई। अजय देवगन की फिल्में हिट होने लगी, वो पॉपुलर होने लगे और उस टाइम पर कहा जाता था कि अगर हीरो मैरिड रहेगा तो समझो उसका करियर खत्म। यही कारण था कि तब अजय देवगन और सिमरन का रिलेशन भी टूट गया और अजय देवगन रोहित कुमार के जीजू बनते बनते रह गए। तो कुछ 8 सालों में 8 फिल्में और उसके बाद रोहित कुमार इस इंडस्ट्री से एग्जिट हो गए। बॉलीवुड इंडस्ट्री, जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पर अगर आपके पास नाम है, अगर आपका किसी प्रोडक्शन हाउस से कॉन्टैक्ट है तो फिर आपका काम ईजी हो जाएगा। रोहित कुमार के पास सब कुछ था लेकिन उसके बावजूद वो इंडस्ट्री में अपने आप को साबित नहीं कर पाए और वो फ्लॉप हो गए। यानी कि नेपोटिज्म वाली थ्योरी, जान पहचान वाली थ्योरी इन पर लागू नहीं होती है। ये पहला केस नहीं है, कई और प्रोड्यूसर्स के बेटे हैं जो आगे चलकर इंडस्ट्री में आए और वो भी इस इंडस्ट्री में फ्लॉप साबित हुए, जिनके पिताओं ने बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में फाइनेंस करके करोड़ों कमाए, वो प्रोड्यूसर्स अपने बेटे को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हीरो बनाने में नाकाम रहे, जबकि उनके पास कितनी ही अच्छी स्क्रिप्ट आती होगी, कितना ही पैसा वो लगा सकते हैं, उसके बावजूद ऐसा नहीं कर पाए। जैसे कि जैकी भगनानी, जो आज के टॉप प्रोड्यूसर है, एक टाइम पर वो भी इंडस्ट्री में हीरो बनने के लिए आए थे। वासु भगनानी के पास कितना पैसा है, कितनी फिल्में उन्होंने बनाई है, उसके बावजूद जैकी भगनानी हीरो के रूप में स्टैब्लिश नहीं हो पाए। हरमन बवेजा, जिनके पिता हैरी बवेजा ने भी कई सारी फिल्में प्रोड्यूस की है, हरमन को भी हीरो बनाने के लिए प्रियंका चोपड़ा जैसी एक्ट्रेस के साथ लॉन्च किया गया लेकिन उसके बावजूद वो हिट नहीं हो पाए। उदय चोपड़ा के लिए कितना पैसा यश चोपड़ा साहब ने लगाया और कितनी बड़ी बजट की फिल्में उनके लिए प्रोड्यूस की, ये तो सब जानते हैं, लेकिन आज उदय चोपड़ा कहाँ गायब है किसी को पता नहीं। तौरानीज का भी प्रोडक्शन में काफी नाम है। कुमार एस तौरानी के बेटे गिरीश कुमार भी लॉन्च हुए थे रमैया वस्तावैया फिल्म में, उन्होंने काम किया था लेकिन उसके बावजूद वो इस इंडस्ट्री में अपने आप को साबित नहीं कर पाए। इन एक्टर्स के लिए हाई बजट फिल्में बनाई गई, टॉप की एक्ट्रेसेस ली गई, गाने, बॉडी, कॉस्ट्यूम, लोकेशन, हर एक चीज इनके पास थी लेकिन उसके बावजूद ये एक्टर्स इंडस्ट्री में नहीं चल पाए। इन मुट्ठी भर एक्टर्स का फ्लॉप होना ये क्लियर करता है कि बॉलीवुड में टैलेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ कॉन्टैक्ट से, बड़े सरनेम होने से कुछ नहीं होता है। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।